करो, एक भी ओबीसी को मंदिर निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया। सबसे ज्यादा बच्चे आपके हमारे, कैसा हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान चाहते थे वो चले गए, जो धर्म के नाम, जो लोग धर्म के नाम पर राष्ट्र चाहते थे वो चले गए। इस बारे में सवाल है, रामायण गीता मनुस्मृति मुगलों ने लिखी है क्या? सुनिए, किसने देख 47 के बाद में कांग्रेस ने से बड़ी जाति नहीं थी, जाति से बड़ी जाति में इतना जाति नहीं थी। एकलव्य का, एकलव्य का अंगूठा किस आधार पे कटा? एकलव्य का अंगूठा किस आधार पे कटा? नहीं है ना जवाब, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओ। साथ दो खास मेहमान हैं, बौद्ध भिक्षु बंते करुणा कर रहे हैं और एक और हैं तो बंते जी, दोनों में आपस में चर्चा हो रही थी। बंते जी कह रहे हैं इससे संवैधानिक राष्ट्र होना चाहिए, और जो दूसरे मेहमान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश ढाका नाम है। जगदीश ढाका यानी कि ओबीसी जाट कम्युनिटी से आते हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बहस का मुद्दा ये है कि भारत संवैधानिक राष्ट्र रहेगा या हिंदू राष्ट्र रहेगा। बंते जी वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और आप कह रहे हो कि संवैधानिक राष्ट्र होना चाहिए, आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई पैदा होता है, हिंदुओं में दानव पैदा होता है। जातियों के आधार पर और हिंदू राष्ट्र का मतलब है बैकवर्ड के आदमी। तीन बच्चे राम मंदिर बनाने को बाबरी मस्जिद में बैकवर्ड के लोग मरे, ओबीसी के लोग मरे, लेकिन एक भी बैकवर्ड के आदमी को, एक भी ओबीसी के आदमी को उस निर्माण कमेटी में और वहाँ के न्यास में और वहाँ की संस्था में नहीं रखा। क्या वो बैकवर्ड हिंदू नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है क्या? बौद्ध हिंदू नहीं है क्या? एक भी नहीं रखा। सारे के सारे जितने भी मंदिर हैं, सारे के सारे मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा करता है। अगर 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 यो बंते जी कह रहे हैं कि एक भी ओबीसी को, आप ओबीसी हो, एक भी ओबीसी को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो, एक भी ओबीसी को मंदिर निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया, सबसे ज्यादा बच्चे आपके हमारे, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? ये आप इस शुरू से चलो, सन 1947 में देश विभाजन हुआ था सिर्फ धर्म के नाम से, धर्म के नाम से 47 में विभाजन हुआ था, तो धर्म के नाम से पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू बन सकता? 47 में ही बन जाना चाहिए था। फिर गवर्नमेंट की चाल ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था या हिंदुस्तान बना था? हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान बना था। तो हिंदुस्तान तो नहीं बना ना, क्यों विभाजन हुआ था? विभाजन क्यों हुआ था? जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो चले गए, जो धर्म के नाम, जो लोग धर्म के नाम पर राष्ट्र चाहते थे वो चले गए। सावरकर ने भी हिंदू राष्ट्र की करी थी, तो ये जो है शुरू में जो है विभाजन धर्म के नाम से। आपकी जाति क्या हो? जाति हमारा हिंदू है, मेरी जाति हिंदू हिंदू। अभी तो आप कह रहे थे ढाका ढाका, लेकिन हिंदू है पहले। किताब में लिखा हुआ है हिंदू, हिंदू एक सेंस करती है सनातन में, हिंदू को धर्म नहीं, एक वो है अपनी शास्त्र में, भगवत गीता रामायण महाभारत में हिंदू नहीं लिखा हुआ है। फिर 47 के बाद में ये से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बताओ। ये पहले बटा हुआ था, ये मुगलों की और अंग्रेजों की चाल थी। अरे क्या 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 रामायण और मनुस्मृति मुगलों ने लिखी है क्या? भगवान राम की कौन जात? भगवान कोई, भगवान एक इंसान थे पहले, और हनुमान जी के, योगी जी कह रहे हनुमान दलित थे, दलित थे, जाट थे, क्या थे वो कुछ नहीं। भगवान राम क्षत्रिय थे। विभाजन के हिसाब से बाद में 47 के बाद में लोगों को रामायण गीता मनुस्मृति मुगलों ने लिखी है क्या? इस बारे में सवाल है, रामायण गीता मनुस्मृति मुगलों ने लिखी है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि हिंदू गांव बना के दिखाइए। क्यों, हिंदू देश है नहीं? कैसे हिंदू है? कैसे सनातन? कैसे सनातन धर्म? कैसे सनातन? प्रूफ करो सनातन, प्रूफ करो ना। चल रहा सनातन, जाति देखकर होती है भारत में, जाति नहीं, जाति। बंते जी वो कह रहे हैं, बंते जी वो कह रहे हैं, सुनिए, किसने देख 47 के बाद में कांग्रेस ने 47 से बड़ी जाति नहीं थी, पहले जाति, 47 से बड़ी जाति, जाति में इतना जाति नहीं थी। एकलव्य का अंगूठा किस आधार पे कटा? एकलव्य का अंगूठा किस आधार पे कटा? नहीं है ना जवाब, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओ। चलिए एक बार हाँ बोलिए, वन नॉट हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? देखो, हिंदू रामनाथ कोविद था, लेकिन उसे जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया,
अरे तो वर्ण व्यवस्था में है कि शूद्र अछूत मंदिर नहीं जा सकता है, तो वो तो हिंदू ही हो गया ना। और जो नाथद्वारा का मंदिर था उसमें जगजीव राम को घुसने नहीं दिया गया, संपूर्णानंद की मूर्ति का यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया, उसको 100 दूध के घड़ों से धोया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में तो एक भी राजपूत नहीं है, कहां राजपूत विरोध कर रहा है, आप लोग झूठे विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध नहीं है, यहाँ पर दो ही लड़ाई चलेंगी, एक यहाँ पर संविधान और दूसरी तब मनुस्मृति। ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान में कहा है, संविधान में कहा है, नहीं नहीं है आज के दिन मनुस्मृति की पहले चर्चा थी, अब कोई मनुस्मृति। हिंदू राष्ट्र का धर्म ग्रंथ क्या है, हिंदू राष्ट्र का राष्ट्र ग्रंथ क्या होगा, सनातन धर्म है ग्रंथ क्या होगा, संविधान तो बदल दोगे फिर आप, जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो फिर आपका ग्रंथ क्या होगा, संविधान संविधान क्या होगा, मनुस्मृति मनुस्मृति खत्म हो जाएगा, क्यों होगा, मुसलमान कहा जाएंगे, 30 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान हिंदू है, हिंदू है, हिंदू संस्कृति की, चलो सब कोई किसी को निकाला नहीं जाएगा, हिंदू मुसलमान भी यही नहीं, दोयम दर्जे की नागरिकता, ना हिंदू मुसलमान भी यही रहेंगे, सब यही रहेंगे, दोयम दर्जे की नागरिकता तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोयम दर्जे का नहीं होगा, मुसलमान बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, पारसी कहाँ जाएंगे, यहूदी कहेंगे, सब रहेंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों रहे, तो रहे फिर हिंदू राष्ट्र 47 में बन जाना चाहिए, ऐसे क्यों बन जाना चाहिए, क्यों बन जाना चाहिए, संविधान में संविधान बदलोगे आप, हिंदू ये संविधान यही होगा जो चल रहा, संविधान तो आपने लिखा था ना, हाँ। चलिए खैर मैं यहाँ लास्ट में एक बात कह सकता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उनके पास में कोई मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई उनके पास में कोई प्लान नहीं है, कोई कोई ग्रंथ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे लोग आकर के हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, और ये गैर संविधानिक ऐसे लोगों को ज्यादा